हिंदुओं के प्रति अभद्र भाषा और गाली गलौज करने का एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे राया के एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा लोकल व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल कर दिया गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने वायरल करने वाले के खिलाफ थाना राया में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलवामा हमले के बाद देश में शोक की लहर है, ऐसे में कुछ अराजक तत्व हिंदुओं के प्रति भड़काऊ शब्दावली का प्रयोग कर वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिससे हिंसक शब्दावली का असर लोगों पर पड़ रहा है। थाना राया क्षेत्र के गांव नगला हरी के दर्जनों लोगों ने इस तरह के वीडियो पर आपत्ति जताते हुए थाना राया में वीडियो वायरल करने के खिलाफ तहरीर दी है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया गया कि एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा इस वीडियो को लोकल व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल कर दिया गया था, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना ये हमारे मोबाइल की जहाँ पे जिन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम धर्म की लड़ाई की बात करी, जाते बहुत बड़े दंगे ऐसे करते हैं तो जिले लगभग रुक हो जाए या नहीं तो जनता रुकेगी। हिंदू समाज में बहुत बड़ा रोष है, आने के बजे बहुत से सैनिक हमारे यहाँ मुझे तो ये बड़ा रुक है नया रोक देगी। मैं निवासी सौखेड़ा का हूँ, लाखन सिंह का नाम है और मैं एक समस्या लेकर आया हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे और राया से पहलवान वालों की दुकान पर कोई काम करता है मिस्त्री, उसने जो है खबर डाली है, सीधी खबर डाली है, गाली गलौज की है, हिंदू समाज के लिए मैंडेटियों के लिए किसी की बात बोली है और राम मंदिर के लिए बोली है। अगर राम मंदिर साले हिंदू के राय कैसे मना जाएंगे, वहाँ मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी और ऐसा शाम कर ऐसा जो दवाई मिला दिया वैसा दिया, पूरे हिंदू समाज को गाली है। यहाँ तक है इस इन लड़कों ने मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को भी गाली दी है, उनसे व्हाट्सएप तक खबर पहुँचा दो, उन तक खबर पहुँचा दो और वो हमारा क्या कर लेंगे। तो क्या थाना राय में तहरीर दे दी गई है? हाँ, थाना राय में तहरीर दे दी है मैंने। तो इसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हैं? इसमें हाँ, इसमें गिरफ्तार है, वो लड़का गिरफ्तार कर लिया है, इसने व्हाट्सएप थाने के अंदर है।